मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं उद्योग। कल अपन ने औद्योगिक तंत्र पढ़ा था, उसके तीन वो प्रकार बताए कि मैंने निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं, कि उद्योग अपन को जहाँ भी स्थापित करते हैं ये तीनों कारक उसको प्रभावित करते हैं। अब है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, अब औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश में जहां पर अधिक उद्योग स्थापित होते हैं उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। जैसे अब जहां पर खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जो खनिज आधारित अपने उद्योगों के प्रकार पढ़े थे ना, जैसे खनिज आधारित उद्योग हैं या कृषि आधारित उद्योग हैं, ठीक है, या वन आधारित उद्योग हैं, तो वो उन्हीं क्षेत्रों के पास विकसित किए जाते हैं। अब जैसे खनिज आधारित उद्योग हैं, अब खनिज आधारित उद्योगों में जैसे कच्चा माल खनन के रूप में पाया जाता है, तो वो उन क्षेत्रों के पास खाने के पास भी वो उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब जैसे ये तो है नहीं कि एक खनिज से एक ही उद्योग में एक ही चीज़ का वो कच्चा माल है, वो अन्य उद्योगों में भी तो कच्चे माल के रूप में काम आता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक से अधिक जिस जिस चीज़ में वो कच्चा माल लगता है उस प्रकार के वो सारे उद्योग, जैसे वनों के पास वनों से संबंधित उद्योग लग जाते हैं, कौन कौन से, जैसे कागज बनाने वाला उद्योग लुगदी से, ये जो फर्नीचर बनाने वाला, खिलौने बनाने वाला, तो ये उद्योग क्या होता है, कई सारे उद्योग एक जगह ही स्थापित जब हो जाते हैं तो उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, कई सारे उद्योग जो एक जगह स्थापित हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, औद्योगिक प्रदेश। अब देखो अपन पढ़ लेते हैं, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। अब अपनी निकटता के लाभ से क्या तात्पर्य है, ये है, देखो समझ लो, आसानी से याद हो जाएंगे इसमें, अपनी निकटता के लाभ। अब जैसे अपन पढ़ते हैं लौह इस्पात उद्योग, उसमें कोयला जैसे लगता है। अब कोयला ये तो है नहीं कि सिर्फ लौह इस्पात उद्योग में ही काम आता है, अन्य और भी उद्योगों में काम आता है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोयले का खनन करेंगे, खनिज के रूप में निकलता है ना कोयला तो पृथ्वी के अंदर से, तो कोयले का जो खनन करेंगे वो, अब जिस जिस उस उद्योग में कोयला उपयोग होता है वो सारे उद्योग वहाँ स्थापित हो जाए। अब जैसे एक उद्योग को कोयला सप्लाई करेंगे वहाँ से निकाल कर, तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस होगा वही दूसरे उद्योग के लिए प्रोसेस अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। कोयला खनन किया जाएगा वहाँ अधिक मात्रा में और वो सारे जो जितने भी उद्योगों में कोयला मतलब कच्चे माल के रूप में लगता है वो वहाँ वहाँ सप्लाई कर जाएगा, उन उद्योगों को सप्लाई किया जाएगा, तो वो अपने लाभ एक दूसरे में बांटने का मतलब यही हो गया कि जैसे खनन तो एक बार करना ही पड़ेगा, चाहे एक उद्योग अपन स्थापित करेंगे तो भी खनन करना पड़ेगा कोयले का, अगर अपन एक से अधिक उद्योग वहाँ स्थापित करेंगे तो भी खनन, तो वो क्या करते हैं कि जिन जिन उद्योगों में कोयला कच्चे माल के रूप में काम में आता है वो उद्योग उसी क्षेत्र में या उसके आसपास वाले क्षेत्र में स्थापित कर देते हैं। तो जब कोयले की, जैसे फिर कुछ ये होता है, एक तो ये कच्चे माल का होता है, दूसरा है जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब जैसे किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा बच जाती है, मतलब उनसे जो उसका उत्पादन होने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, बचने का मतलब जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो बेकार, उस उद्योग के लिए तो वो बेकार हो गया क्योंकि उस उद्योग में दोबारा काम नहीं आएगी, लेकिन कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो दूसरे उद्योगों में काम में आ जाती हैं। जैसे देखो अब लुगदी से कागज बनाया जाता है, लुगदी से कागज, अब कागज उद्योग स्थापित किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि उद्योग कौन सा हो गया, ये कागज उद्योग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब ये लुगदी पेड़ों से भी प्राप्त होती है, ठीक है,
वन आधारित उद्योग है वैसे तो ही, लेकिन ये कृषि आधारित उद्योग में भी आता है। क्यों? क्योंकि जैसे चीनी उद्योग लगाते हैं, जब अपन चीनी उद्योग, अब चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? गन्ना। गन्ना, वेरी गुड, गन्ना। अब गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है तो क्या क्या जाता है, जैसे गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा होगा ना आपने, तो इसी प्रकार से मशीनों में जैसे गन्ने का जो वो रस होता है ना, जो उसमें उसको निकाला जाता है, तो वो जो ऊपर का छिलका बचता है ना उसे लुगदी बोलते हैं, ठीक है ना, उसे भी लुगदी बोलते हैं जो वेस्ट हो जाता है। अब चीनी में तो सिर्फ जो गन्ने का जो रस है मीठा वही काम आता है चीनी बनाने में तो, लेकिन वो लुगदी चीनी उद्योग में काम नहीं आती, तो उसका अपशिष्ट हो गया ना, बेकार पदार्थ हो गया चीनी उद्योग के लिए, लेकिन वो जो लुगदी है ना उससे क्या बनाया जाता है, कागज। जो लुगदी गन्ने से की जो ऊपर की वो छिलका बचता है ना उससे भी कागज निर्माण किया जाता है, जैसे कि अखबारी कागज, जो मतलब हाई क्वालिटी का कागज नहीं, लो क्वालिटी का कागज तैयार होता है उससे, लेकिन वो जैसे ये लिफाफे बनाने में, अखबार छापने में ये हल्का कागज काम में लेते हैं ना, तो वो उस लुगदी से जो गन्ने से जो लुगदी बचती है उससे भी कागज तैयार किया जाता है। तो अब क्या हो गया, जैसे चीनी उद्योग का तो ये लुगदी वेस्ट मटेरियल, लेकिन कागज उद्योग में ये कच्चे माल के रूप में काम आ गया ना, तो एक दूसरे उद्योग की मतलब ये हेल्प हो जाती है। तो अब जैसे गन्ना उद्योग के पास ही अगर कागज उद्योग स्थापित कर लिया जाए तो इसका परिवहन करने की, क्योंकि देखो हर उद्योग जहाँ स्थापित होता है वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता या इतनी जगह नहीं होती कि उस लुगदी को स्टोर किया जा सके, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल जो उसके वहाँ का काम का नहीं है उसको वहाँ से उठाना पड़ेगा, तो उठा के दूसरी जगह अगर बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो परिवहन का खर्च ज़्यादा आएगा। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जहाँ पर गन्ने का उद्योग स्थापित किया जाता है उसके कुछ दूरी पर कागज उद्योग स्थापित कर लिया जाता है, तो ये दूसरे आपस में, अब इसका वेस्ट मटेरियल इसमें रॉ मटेरियल के काम में आ जाता है, ठीक है ना, तो जो कच्चा माल के रूप में ये काम में आ जाएगा कागज उद्योग में, तो इस प्रकार से ये उद्योग आपस में एक दूसरे के लाभ प्राप्त हो जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट होते हैं। अब देखो तीन चीजें बताई हैं कि मुख्य रूप से उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, मैंने तुम्हें ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक में भी बताया था कि कच्चे माल, कच्चा माल के पास विशेष रूप से उद्योग स्थापित होते हैं, ठीक है। अब कच्चा माल विशेष रूप से ऊर्जा का स्रोत है जो कोयला, कोयला अधिकतर उसमें कोयला जल विद्युत ये अधिकतर में कच्चे माल के रूप में काम में आता है, ठीक है। तो औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, अधिकतर औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में, देखो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपलब्ध है, ज्यादातर लगाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में। उसके बाद समुद्री क्षेत्रों में, ठीक है, और तीसरा है इसमें समुद्री पत्तनों के समीप, समीप और तीसरा है कोयला क्षेत्र के समीप। विश्व के जितने भी आप औद्योगिक प्रदेश देखोगे तो ये तीनों ही क्षेत्रों में पाए जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहां पर जो उद्योग होते हैं उनमें खुद की हीट भी बहुत अधिक होती है, तो ज्यादा उष्ण क्षेत्रों में या ज्यादा शीत प्रदेशों में कई उद्योग ऐसे हैं जैसे अधिक ठंडे प्रदेशों में भी नहीं लगाए जा सकते, तो शीतोष्ण जो जलवायु रहती है वो अनुकूल रहती है।
अत्यधिक गर्म किया जाता है, जैसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, तो अत्यधिक हीट में ही ये प्लास्टिक पिघलता है, ठीक है ना, और फिर उसको कोई रूप दे सकते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो किसी भी उद्योग के लिए अनुकूल होती है। तो अधिकतर उद्योग कहाँ स्थापित होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय में। दूसरा, समुद्री पतनों के समीप। अब पतन क्या होती है? इसको बंदरगाह भी बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक है, जो तटीय क्षेत्रों में होती है ना, बंदरगाह तो समझते होंगे ना, जो बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं उनको रोकने का जो स्थान होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। अब समुद्री बंदरगाहों के समीप क्यों होते हैं? क्योंकि जो उत्पादित उद्योगों में जो उत्पादित माल है उसको किसी भी दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए सस्ते दामों पर दूसरे देश को जैसे पहुँचाने के लिए या दूसरे देश से कच्चा माल मंगवाने के लिए अपन को बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। तो आप देखोगे अपने भारत में भी, जो मध्य भारत में है वो अधिकतर जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो बंदरगाहों के समीप ही हैं, कि दूसरे देशों से, क्योंकि जल परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन है, ये प्राकृतिक परिवहन है, जल में कोई रख रखाव की थोड़े कोई खर्चा आता है, ठीक है ना, तो सबसे सस्ता परिवहन है, इसलिए बंदरगाहों से माल एक जैसे तैयार माल दूसरे देशों में भेजना और उन दूसरे देशों से कच्चा माल यहाँ मंगवाना या तैयार माल मंगवाना, ठीक है, तो बंदरगाहों के समीप। तीसरा है कोयला क्षेत्र के समीप। कोयला क्षेत्र के समीप क्यों? क्योंकि कोयला अधिकतर उद्योगों का कच्चा माल है, ठीक है ना, तो कोयला क्षेत्रों के समीप उद्योग पाए जाएंगे, जितने भी विश्व में उद्योग पाए जाएंगे ये तीनों ही क्षेत्रों में, तीनों ही ये कारक उसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। हो गए आप शीतोष्ण कटिबंधों में, समुद्री पतनों के समीप। पतन क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जो समुद्री जहाजों को रोकने का जो स्थान होता है, जैसे बस अड्डा बोलते हैं, बसों को रोकने का स्थान, रेल जो स्टेशन होते हैं, रेलवे रेलवे रुकने का स्थान, इसी प्रकार से बंदरगाह क्या है? जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं ना बड़ी बड़ी, उनको रोकने का स्थान, ठीक है, तो उससे क्या है, व्यापार किया जाता है जो तैयार माल का या कच्चे माल पहुंचाने के लिए, तो उनमें ये सस्ता परिवहन पड़ता है। दूसरा है कोयला क्षेत्र के समीप, क्योंकि कोयला अधिकतर उद्योगों का कच्चा माल होता है। अब इसमें आते देखो, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। अब भारत के औद्योगिक प्रदेश देखते हैं अपन। भारत के औद्योगिक प्रदेश, याद रखने हैं तुम्हें, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके मुख्य देखो, इसमें है मुंबई, पुणे, औद्योगिक प्रदेश। दूसरा है बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, बेंगलोर और तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, तो मान लिया है प्रदेश, क्योंकि बेंगलोर और जो है तमिलनाडु नहीं, पास पास पड़ते हैं, तो जो आस पास के जो औद्योगिक प्रदेश तो उसे कहेंगे जहां उद्योगों का अधिक स्थायीकरण होगा, मतलब अधिक उद्योग वहां स्थापित होंगे, ठीक है ना, उसे ही तो एक क्षेत्र वाले उद्योगिक औद्योगिक प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश नहीं बोलेंगे, वहां तो सिर्फ उद्योग ही बोलेंगे, ठीक है ना। हुगली प्रदेश, अगला है अहमदाबाद, वडोदरा, विशाखापट्टनम, गंटूर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम,
दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अगला है कोलम तिरुवनंतपुरम। याद रखने हैं आपको ये सारे कोलम क्षेत्र। ठीक है, मुख्य जो ये औद्योगिक क्षेत्र आप देखोगे तो ये इन्हीं